तरफ जहां पूरी दुनिया व देश में कोरोना वायरस को लेकर जनता के बीच खौफ बना हुआ है, वहीं सहारनपुर में भी प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। कोरोना वायरस को लेकर सहारनपुर डीएम जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना वायरस से संबंधित अगर कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उसके लिए जिला चिकित्सालय में उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और जिला प्रशासन लगातार सभी लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं विदेश यात्रा कर वापस लौट रहे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि जिले में हालांकि अभी तक कोई कोरोना वायरस का मामला प्रकाश में नहीं आया है। देखिए, सहारनपुर या आसपास किसी जनपद में अभी किसी पुष्ट जो है केस की जानकारी नहीं है और हम लोगों ने जो भी शासन स्तर से जो एडवाइजरी जारी है उसके क्रम में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड बनना है आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर बन के तैयार है और जो भी इसके संबंध में जो प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी है, जो लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। किसी तरह की अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं है। सर, जो लोग विदेश से बाहर से आ रहे हैं सहारनपुर में, क्या उनको लेकर भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? नहीं, जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट से ही, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको वहीं पर जो आइसोलेशन वार्ड रखा है, बना हुआ है, उसमें रखा जा रहा है। बहरहाल अभी जनपद सहारनपुर में ऐसे कोई केस रिपोर्ट होने की अभी जानकारी नहीं है।